झारखंड सरकार ने स्कूलों के खुलने के समय को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्कूलों के खुलने का समय फिर से निर्धारित किया गया। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग का आदेश प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू होगा। स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग के सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक अब ये स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों को दोपहर बाद 2 बजे तक स्कूल में रहना होगा। इस बाबत सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। रांची दुमका जैसे जिलों में तो मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया गया। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को खोलने के समय को लेकर जारी आदेश प्रदेश के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों पर लागू होगा। स्कूलों को खोलने के समय में बदलाव का फैसला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद लिया गया है। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इससे पहले जारी अवकाश तालिका में सर्दियों के मौसम में स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर के बाद 3 बजे तक खोलने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत शनिवार को स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खोलने का आदेश था। अब आपदा प्रबंधन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद अब प्राथमिक स्कूलों को खोलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के प्राथमिक स्कूल महीनों से बंद है। हालांकि ताजा आदेश में स्कूली शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया है। बता दें कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन झारखंड के कई इलाकों में इंटरनेट की माकूल व्यवस्था न होने के कारण उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।